कैलोरीमीटर क्या होता है, ये डायग्राम देखिए, मैं इसका सिंपल एक मिनीचर वर्जन भी बना दूंगा अगर आपको आप कहेंगे तो, बट प्लीज इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर हम कोई ना कोई एक पूरे को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं, पूरे अरेंजमेंट को। यहां पर हम कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे, सर इनऑर्गेनिक नहीं रख सकते, रख सकते हो बट जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे। यहां पर हमने लगा रखी है दो इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड जिनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी सुना होगा कम से कम घर में, इन्वर्टर वाली या बाइक में या कार वाली, ठीक है। और जैसे ही आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा, इन दोनों वायर्स को बैटरी से कनेक्ट किया, और ऑक्सीजन आप यहां से दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप यहां से दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, कम्बशन हो जाएगा। यस सर, उससे कौन कौन सी गैसेस निकलेगी, जनरली CO2 और H2O, और साथ में निकलेगी बहुत सारी हीट, साथ में क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट, बहुत सारी हीट, वो हीट सारी सारी इस कंटेनर के अंदर होगी। यस, वो हीट जो है बाहर कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, एक तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एक ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट अब्सॉर्ब करेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। आइए दोबारा समझाते हैं इसी को, बस थोड़ा सा ऐसे है ना बना के रख देते। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। सर क्या करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में, यहां पर एक फ्लास्क टाइप ले लेते हैं, चाइना डिश टाइप, यहां पर रखते हैं हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक भी रख सकते हैं, है ना, मैं वैसे ही ऑर्गेनिक रख रहा हूं। यहां से डालेंगे आप दो वायर्स, ये कनेक्टेड है बैटरी से, यहां से डालेंगे आप ऑक्सीजन। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस बैटरी से कनेक्ट करोगे दोनों वायर्स को, और ऑक्सीजन है ही, कंबशन होगा, क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी। सर ये हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, सर ये हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, दो जाने एब्जॉर्ब करेंगे, एक तो पूरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक पूरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, और दूसरा पानी, दूसरा पानी, ये जो लाल रंग से नजर आ रहा है, सर ये पानी लाल रंग का कैसे हो गया, हो गया होगा भाई, ठीक है, ये पानी है। हमने यहां पर थर्मामीटर लगा रखा है, जो पानी का टेम्परेचर बिफोर कंबशन बताएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और बाद में कंबशन के बाद में बताएगा, कंबशन के बाद में बताएगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जितनी भी यहां से हीट निकली है, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको दो चीजों ने अब्सॉर्ब किया, एक तो पानी ने और एक पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर ने, पानी ने और बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट निकली है वो डेल्टा यू है। सर आपको कैसे पता, क्या ये कंटेनर की वॉल्यूम हमने फिक्स कर रखी है, यस, ना ये वॉल्यूम बढ़ रही है ना कम हो रही है, ये वाले कंटेनर की, ये वाले वॉल्यूम की, तो ऑब्वियसली ये जो हीट चेंज है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। ये हीट एब्जॉर्ब किसने करी है, एक तो पानी ने, एक तो पानी ने, और किसने एब्जॉर्ब करी है, सर बॉम्ब कैलोरीमीटर ने, और किसने अब्सॉर्ब करी है, बॉम्ब कैलोरी मीटर ने, बॉम्ब कैलोरी मीटर ने। सर यूनिट क्या रखेंगे, बेटा अगर ऐसा यूनिट रखना है तो जूल ही रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जूल में, जूल में, जूल में। सर कैलोरी में, अरे रख सकते हो बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। सर इसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा, हाँ होगा, तुम्हें नहीं पता इसका फॉर्मूला, कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट अब्सॉर्ब करता है, कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट अब्सॉर्ब करता है, सर Q का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। ये एम क्या है, मास ऑफ वाटर, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, पहले कितना टेम्परेचर था वाटर का, बाद में कितना टेम्परेचर हो गया वाटर का, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर, ये सर हीट अब्सॉर्ब्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, दैट इज मास ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एस, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यूनिट जूल में, हाँ ऐसा यूनिट रखना है तो जूल में रखना। क्या इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बताओ, मास इनटू स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सर हीट कैपेसिटी,
हीट कैपेसिटी, वो कोई पूछने वाली बात थोड़ा है सर, हीट कैपेसिटी होती है तो लिख दो फिर हीट कैपेसिटी, लिख देते हैं सर। डेल्टा डी कॉमन होगा, बाहर निकाल लूं, हाँ चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही आएगा। पानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे गया तो बॉम्ब कैलोरीमीटर भी 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे गया होगा, बताने वाली बात थोड़ा है सर, ये बताने वाली बात थोड़ा है। ठीक है बेटा, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं इसको सर, इसको हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं, किसकी, बॉम्ब कैलोरीमीटर की, क्योंकि मास भी बॉम्ब कैलोरीमीटर का, स्पेसिफिक हीट भी बॉम्ब कैलोरीमीटर की है। हीट कैपेसिटी सर यूनिट क्या, अरे सर क्या हो गया आपको, कितनी बार बताएं कि आंसर जूल में ही आना, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बट सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए बट सर आपने ना कई हमें ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें आपने जब हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम या चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करी है तो आपने यूनिट पता क्या रखा है, जूल पर मोल, जूल पर मोल, जूल पर मोल, तो ये तो जूल है, अगर पर मोल करना हो तो बेटा नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, मैं क्या बताऊं उसमें, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, किसके नंबर ऑफ मोल्स, अरे भाई किसकी हीट ऑफ कम्बशन मेजर कर रहे हो, किसकी हीट ऑफ कम्बशन मेजर कर रहे हो, कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की कर रहे हो हीट ऑफ कम्बशन, नहीं सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो बस उसके मोल से डिवाइड कर दो, उसके मोल से डिवाइड कर दो, ये भी कोई बात हुई क्या सर, ये भी कोई बात हुई बताइए, ये भी कोई बात हुई क्या, आइए आइए आइए, ये रहा इसका MIT। ठीक है, डेरिवेशन ना स्कूल में आना ना कंपटीशन में आना, वो हमारी मजबूरी थी कि हमें डेरिवेशन पूरा कराना पड़ा, हमें पूरा कराना पड़ा, आपको तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, याद रखना ये पढ़ किसके लिए रहे हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए, क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर, क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर, हमने पढ़ा यहां पर मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की, किसमें, डेल्टा टी, यहां जूल में, और अगर आपको जूल पर मोल निकालना है, जूल पर मोल निकालना है तो बेटा यहां पर मोल्स डिवाइड कर दो, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे मोल्स निकालने तो आते हैं, नहीं आते, आते हैं सर, मास बाय मोलर मास, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम्बशन किया, एक ग्राम का, दो ग्राम का, पांच ग्राम का, दस ग्राम का, सौ ग्राम का, है ना, डिवाइडेड बाय उसके मोलर मास से मोल्स आ जाएंगे सर, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल, सर मेरी बात सुनो आप, मैंने कहा बोलो,